तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं माई खान फ्रॉम मुल्तान पंजाब। तो ये GX का जी एक न्यू सॉफ्टवेयर आया है, तो इसमें चेक करते हैं जी क्या कुछ इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले जब मेन्यू प्रेस करेंगे तो इंस्टॉलेशन आ जाएगा। यहाँ आप कंटीना सेटिंग, मोटर सेटिंग, सेटेलाइट और ये TP लिस्ट और ये DVD फाइंडर का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा आपको। ये देखें जी, यहाँ आप DVD फाइंडर अपना ऐप इंस्टॉल करें, स्कैन करें और सेटिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको ये मिल जाता है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में ये देख लें, ये भी सेटिंग और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसके लास्ट में आपको मिलेगा जी नेटवर्क सेटिंग। ये नेटवर्क सेटिंग में आ जाएं, या आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी वाईफाई कनेक्ट है, तो ये देख सकते हैं मेरा वाईफाई कनेक्ट है। तो उसके बाद आपको मिल जाएगा ये चैनल एडिट का, मीडिया सेंटर, यूटिलिटी में आपको यहाँ पर सिस्टम इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये देख सकते हैं आप, 28/1/2022 का ये सॉफ्टवेयर है। और व्हाट्स न्यू है जी इसमें, ऑटो बेस की अपडेट है ये, तो वो भी चेक करते हैं हम इसमें। उसके बाद ये फैक्ट्री स्टोर, सॉफ्टवेयर अपडेट, सी ए सेटिंग में यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये एस कैम प्लस सेटिंग में। तो यहाँ पर आप जो है अपनी सी लाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं, नेटवर्क यहाँ पर आप सी लाइन ऐड कर सकते हैं अपनी। और ये बेस की वगैरह है, यहाँ बेस की, पावर भी की, 10 बार की। तो अब चेक करते हैं जी ये बेस की जो है ऑटो अपडेट करता है या नहीं। तो ये कुछ बेस की वाले चैनल मैंने निकाल के रखे हैं पहले से, तो इनको चेक कर लेते हैं कि ये ऑटो बेस की अपडेट है या नहीं। याद रहे कि ऑटो बेस की होने के लिए आपका वाईफाई कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए, ट्राई ओपन चैनल का ऑप्शन उसने दिया है, और ये जब ही देगा जब आपका वाईफाई कनेक्ट होगा। तो ये देख लें, चैनल ओपन हो चुके हैं आपके सामने। ऑटो बेस की का ये मतलब नहीं है कि आपका रिसीवर जो है नेट के बगैर ही ऑटो अपडेट करेगा। जब तक आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं देगा ट्राई चैनल ओपन का। तो आप दूसरा चैनल चेक कर लेते हैं जी। ये देख लें, ट्राई ओपन चैनल का ऑप्शन दे रहा है और ये चैनल ओपन कर दिया है। तो ये मैं दोबारा बता दूं कि ये उसी टाइम ही ऑप्शन देगा जब आपका वाईफाई कनेक्ट होगा। जब तक आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा ये ऑटो चैनल ओपन नहीं होगा। चैनल ऑटो ओपन करने के लिए भी आपका वाईफाई कनेक्ट होना ज़रूरी है। मैंने आपको दिखाया कि हमारा वाईफाई पहले से ही कनेक्ट मैंने किया हुआ था, और ये देख लें चैनल आपके सामने ऑटो अपडेट हो रहे हैं। बेस की यहाँ ऐड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये देख लें चैनल ओपन हो गया, और इसमें यह है कि इन्फो बार जो है वो कुछ इस तरह से शो होगा इसमें। ये देख लें, इन्फो बार इस तरह से शो होगा, बाकी वो जो है फुल स्क्रीन पे नहीं आएगा। ये एक छोटी सी नीचे इन्फो बार इसका शो होगा, और दोबारा इन्फो दबाने से ये चला जाएगा। एक बार आप प्रेस करेंगे इन्फो, ये देखें, तो ये यहाँ पर कुछ भी जो है ना परसेंटेज शो नहीं करेगा यहाँ। तो जब आप दोबारा इन्फो प्रेस करेंगे तो ये देखें, फिर ये परसेंटेज यहाँ शो करेगा, देख सकते हैं। और इसमें आपको एक और बात बता दूं कि इसमें वीडियो कॉन ओके नहीं है। इसमें वीडियो कॉन ओके नहीं है, तो वीडियो कॉन में आपको जो है हमने चेक की है, इसमें वीडियो कॉन बिल्कुल इसमें ओके नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ लाइन ऐड करके नेटवर्क में, ये आप देख सकते हैं कि हमने वीडियो कॉन यहाँ इसमें चेक की है, लेकिन वीडियो कॉन का कुछ भी एक भी चैनल ओपन नहीं हुआ। तो याद रहे कि ये सिर्फ जो है ऑटो बेस की चैनल ओपन करता है, इसमें वीडियो कॉन का कोई ऑप्शन नहीं है कि वीडियो कॉन ओपन हो। तो सिर्फ ये इसलिए है कि जो लोग बेस की के शौकीन हैं, बेस की के चैनल देखना चाहते हैं, उनको दिक्कत पेश आती है, उनको बेस की नहीं मिलती, तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ उनके लिए है कि जो बेस की के चैनल देखना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मेन्यू भी अच्छा है और सिग्नल भी बेहतरीन दिखाता है ये।
ये नहीं कि बड़ा चढ़ा कर दिखाए, तो मेरे ख्याल से तो ये ओरिजिनल सिग्नल दिखाता है। बाकी आप दोस्त चेक करें इसे सॉफ्टवेयर कैसा है कैसा नहीं। तो मैंने जो देखा है, मैंने तो ये देखा है कि जो है सॉफ्टवेयर बेहतरीन सिग्नल दिखाता है, डबल या बड़ा चढ़ा कर नहीं दिखाता। जो ओरिजिनल सिग्नल है वही ये दिखाता है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई सेटेलाइट की इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। ये सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन तो सोचा आप दोस्तों शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और सेटेलाइट की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।